वही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर से सुरक्षा बलों की वापसी और सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी AFASPA को हटाने संबंधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, देर आए दुरुस्त आए, उम्मीद की जानी चाहिए कि यह सिर्फ जुमलेबाजी नहीं बनकर आए। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा है कि चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में तैनात केंद्रीय बलों की संख्या को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ही कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी को संभालने के साथ साथ आतंक खिलाफ मोर्चा पर भी अग्रणी भूमिका निभाएगी। वही इसको लेकर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत ही इम्पोर्टेंट डिमांड रही है और कई सालों से रही, और PDP इसकी हर वक्त वकालत करती रही है। और यही वजह है कि जब हमने BJP के साथ अलायंस किया तो उस अलायंस एजेंडा ऑफ अलायंस का ये बहुत बड़ा हिस्सा था कि जो ही जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो जाते हैं, ASPA को भी खत्म किया जाना चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सिविलियन एरियाज से बाहर निकालना चाहिए। तो आज जब होम मिनिस्टर साहब इसकी बात करते हैं तो हम ये कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि जब भी महबूबा मुफ्ती या PDP इसकी वकालत करते थे, इसकी बात करते थे, तो मुझे कहा जाता था ये एंटी नेशनल है, ये आर्मी के खिलाफ है, ये मुल्क के खिलाफ है। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि बात इलेक्शन के वक्त इन्होंने की है, क्या ये वाकई सीरियस है या ये एक जुमला है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल में, इन्होंने कहा था कि गैस का सिलेंडर कांग्रेस 450 में दे रही है, हम 400 में देंगे। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए हम हर गरीब के अकाउंट में जमा कराएंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और इस वक्त मैं समझती हूं कि अगर वाकई अमित शाह साहब सीरियस हैं, ये करना चाहते हैं, क्योंकि हमने कई एरियाज ने मुफ्ती साहब ने अपने एरिया में, जैसे अनंतनाग का हाई ग्राउंड है, टट्टू ग्राउंड है, हमने कोशिश की थी कि जहां आर्मी की जरूरत नहीं है वहां से उनको निकाल के बैरक्स में वापस भेजा जाए। अगर वो वाकई अमित शाह साहब सीरियस हैं तो आप जानते हैं 2019 के बाद हमारे हजारों की तादाद में हमारे लोग न सिर्फ जम्मू कश्मीर के जेलों में बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर की जेलों में बहुत ही अजाब में हैं। उनके खिलाफ कोई चार्जेस फाइल नहीं किए गए हैं, उनका जो अदालती कार्रवाई शुरू नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग उसमें बीमार हैं, गरीबों के बच्चे हैं ये। तो अगर वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो उन्होंने जख्म दिए कुछ उसमें मरहम हो जाए, तो सबसे पहले कितने जर्नलिस्ट हमारे बंद हैं, तो कम से कम पहले उनको रिलीज कर दें जिनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है, जिनकी कार्रवाई नहीं हुई, जिनका कोई इल्जाम उनके खिलाफ साबित नहीं हुआ। तो हम सोचें ये सच बोल रहे हैं, अदरवाइज तो ये जुमला लगता है।